Students, so now we are going to study new words. I'm going to explain the meaning to you, okay, with some sentence. So you have to write down the meaning and the words and the meaning in copy, okay? So let's start. First word is proud. ठीक है, ये words सारे मैंने आपको जब poem explain की थी तब भी बताए थे. ठीक है, तो let me tell you one more time. फर्स्ट वर्ड इज़ प्राउड. प्राउड का मीनिंग होता है फीलिंग ग्रेट. ओके, बहुत अच्छा फील करना, अपने आप पे गर्व करना. ठीक है, सो आई एम प्राउड टू बी अ सोल्जर. तो मुझे गर्व है कि मैं एक सोल्जर हूँ, एक सिपाही हूँ. ठीक है, सोल्जर मीन्स सिपाही. ठीक है, आर्मी मैन को बोलते हैं हम सोल्जर. ओके, सो आई एम प्राउड टू बी सोल्जर. ए लिखना था मुझे यहाँ पे. ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे ए राइट करना था, वो मैं भूल, आई फॉरगॉट, सॉरी. सो आई एम प्राउड टू बी अ सोल्जर. नेक्स्ट इज नोबल. नोबल मीन्स ऑनेस्ट, अ प्रोफेशन, अ वर्क, अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट. ओके, उसको हम बोलेंगे नोबल. ऑनेस्ट मतलब जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है, अच्छा होता है ना, उसे हम नोबल बोलते हैं, चाहे वो कोई काम हो चाहे कोई इंसान हो. टीचिंग इज अ वेरी नोबल वर्क. टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है बच्चों को, वो एक बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा काम है, बहुत ही सच्चा काम है. ठीक है, टीचर टीचिंग करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो सच्चे मन से पढ़ाते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क. ओके, वाइज. वाइज का मतलब होता है सेंसिबल, इंटेलिजेंट, समझदार. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ वाइज पर्सन. तो राम जो है वो बहुत ही समझदार आदमी है. ठीक है, सो राम इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन, राम इज़ अ वेरी वाइज पर्सन. सी आइंस्टाइन, दिस इज़ द फोटो ऑफ आइंस्टाइन, इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन. पेंगुइन्स. पेंगुइन्स तो आपको सबको पता ही है, ये पेंगुइन बर्ड होती है, बड़ी सुंदर होती है ना, अच्छी लगती है, बहुत प्यारी होती है. ठीक है, और बहुत बच्चे इसके साथ प्ले भी करना अच्छा लगता है बच्चों को, इनको इसके साथ. ठीक है, ये ज़्यादातर सी साइड पे मिलती है, इसलिए इसको हम सी बर्ड बोलते हैं. ठीक है, सी बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. सी बर्ड जो उड़ नहीं सकती. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव टू सी पेंगुइन्स. मुझे पेंगुइन्स को देखना बहुत अच्छा लगता है. स्ट्रटिंग. स्ट्रटिंग का मीन्स वॉकिंग प्राउडली. ठीक है, प्राउड, अपने आप पे प्राउड फील करते हुए, गर्व करते हुए वॉक करना. ठीक है, स्ट्रटिंग एक तरह से प्राउड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वॉकिंग प्राउडली, हम वॉक कर रहे हैं प्राउड फील करते हुए. ठीक है, फीलिंग ग्रेट, वी आर फीलिंग ग्रेट एंड वी आर वॉकिंग. ही इज स्ट्रटिंग अराउंड द ऑफिस. वो कहाँ प्राउडली मूव कर रहा है, अपने ऑफिस में मूव कर रहा है. ठीक है, एंड लास्ट इज रिमार्क्स. रिमार्क्स का मीन्स होता है कमेंट्स. कमेंट्स तो आप लोगों को पता ही है, किसी के बारे में कुछ बोलना. ठीक है, सो किस अच्छा बुरा जैसा भी. डोंट मेक बैड रिमार्क्स ऑन एनीबॉडी. ठीक है, किसी पे भी बुरे रिमार्क्स, बुरे कमेंट नहीं करने चाहिए. ठीक है, किसी पे, इनफैक्ट हमें कमेंट नहीं करना चाहिए किसी की अच्छी चीज़ पे या बुरी चीज़ पे. हम सिंपली बोल सकते हैं, कमेंट करने का मतलब हो गया आप कुछ उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, पीछे से नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट. किसी को कुछ बोलना है तो आप उसके सामने बोलो. ठीक है, उसके पीछे से कभी भी नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, सो यू शुड नॉट मेक एनी बैड रिमार्क्स और एनी बैड कमेंट्स ऑन एनीबडी. ओके, दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट. सो टोटल वी हैव स्टडीड हियर 6 वर्ड्स, दैट इज प्राउड, मीनिंग इज फीलिंग ग्रेट, नोबल, मीनिंग इज ऑनेस्ट, वाइज, मीनिंग इज सेंसिबल, पेंगुइन्स, मीनिंग इज सी बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, स्ट्रटिंग मीनिंग इज वॉकिंग प्राउडली, एंड रिमार्क्स मीनिंग इज कमेंट्स. ओके, ऑल दीज 6 वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी विद इट्स मीनिंग. ओके, और आप सेंटेंसेस नहीं भी राइट करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको मीनिंग ज़रूर राइट करना है इसका. ओके, सो यू हैव टू राइट ऑल दीज न्यू वर्ड्स विद इट्स मीनिंग. ओके,